मोहब्बत को कबूल क्यों नहीं कर लेती जो आपके लिए मेरे दिल में है? मोहब्बत क्या जबरदस्ती का सौदा है सही? अब क्या हो गया, रो क्यों रही हैं आप? कुछ आंसुओं से तो जैसे दोस्ती कर ली हो, बेवजह आ जाते हैं। मुझे ना आपकी आंखों से इन आंसुओं की दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बार बार आ जाते हैं। चाहता हूं मुस्कुराहट की होंठों से दोस्ती हो जाए हमेशा के लिए। वैसे एक बात तो बताए, आप बुआ के घर से इतनी सुबह सुबह क्यों चली आई? मुझे तुम्हारा घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था सही, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। भला तुमसे ज्यादा कौन ख्याल रख सकता था मेरी, कौन हिफाजत कर सकता था मेरी? लेकिन नहीं, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, फिर ये सब तो होना ही था ना मेरे साथ। भला तुम्हारे घर जैसी महफूज पनाहगाह को छोड़कर जाना मेरी सबसे बड़ी हमाकत थी। अब मैं आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा सारा, चाहे पूरी दुनिया आपके मुखालिफ हो जाए, लेकिन मैं नहीं दूंगा। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं प्यार करता हूं आपसे, नहीं रह सकता आपके बगैर। अब हम मिलकर अपना घर खुद बनाएंगे और देखिएगा वहाज और शाजमा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अब हम मैंने अपनी सारी गलतियों का एतराफ कर लिया कि तुम्हारी बात ना मानकर मैंने सिर्फ नुकसान उठाया। मुझे फरहान के पास वो जॉब भी नहीं करनी चाहिए थी, ये घर छोड़कर भी नहीं जाना चाहिए, बुआ के पास जाने का फैसला भी गलत था। लेकिन इस सब का मतलब ये नहीं कि मैंने हमारा रिश्ता कबूल कर लिया। मेरे दिल में तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है, मगर मोहब्बत नहीं और ना कभी हो सकती, क्योंकि कोई भी इस रिश्ते को कबूल नहीं करेगा, और खास तौर पर बाबा। मैं पहले ही उनको बहुत हर्ट कर चुकी, अब मजीद उनका मान खाक में नहीं मिला सकती। जहां मैंने इतने गलत फैसले किए, ये शादी का फैसला भी एक गलती थी, और उसके बाद मैंने सिर्फ गलतियां ही की हैं। मेरा तुम्हें ये सब बताने का मकसद सिर्फ ये है कि तुमने सबके बावजूद अपने घर के दरवाजे मुझ पर बंद नहीं किए, मेरे साथ वो सलूक नहीं किया जो दूसरों ने किया। आई होप तुम समझ गए होगे। समझ गया अपनी औकात, कुछ देर के लिए भूल गया था, माफी चाहता। लेकिन सारा, जब मैं आपको वहाज और फरहान से बेहतर लगता हूं इस घर में, आप खुद को मेरे साथ महफूज समझती हैं, तो इस फर्क को क्यों अहमियत देती है? अपने और मेरे रिश्ते को कबूल क्यों नहीं कर लेती? इस मोहब्बत को कबूल क्यों नहीं कर लेती जो आपके लिए मेरे दिल में है? मोहब्बत क्या जबरदस्ती का सौदा है सही? बावजूद कोशिश के मैं जब भी अपने दिल को डटोलती हूँ, उसमें मुझे खामोशी के सिवा कुछ नहीं मिलता। बावजूद कोशिश के मैं अपने दिल में तुम्हें वो जगह नहीं दे पा रही जो तुम चाहते हो।
और शायद देना भी नहीं चाहती। जिस रिश्ते का कोई मुस्तकबिल नहीं, उसके हाल पे मैं सिर्फ अफसोस कर सकती हूँ। अखियां नू तेरी दीद दी पना चाहिए, अखियां नू तेरी दीद दी पना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।